हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम किसान भाइयों, जय जवान जय किसान। दोस्तों, जो आज तारीख हो चुका है, अगर तारीख की बात करें तो आज तारीख हो चुका है 30 अक्टूबर 2023, और दिन की बात करूं तो आज हो चुका है सोमवार। दोस्तों, आज सोमवार लुधियाना मंडी में जो अदरक का फुटकर भाव है, क्या क्वालिटी है, क्या रेट है और क्या भाव आगे बनने वाला, दोस्तों क्या बाज़ार चल रहा है। दोस्तों, वीडियो बने रहें और वीडियो को लास्ट तक देखें। आज अदरक का बाज़ार क्या बना, जितने किसान भाई हैं अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कर दें और कमेंट कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। आज आपको लुधियाना मंडी का जो भाव है इस चैनल के माध्यम से आप पता लगेगा। दोस्तों, मेरे वीडियो देख रहे हैं, प्याज अदरक की छटाई हो रही है और चूरा वगैरह है और बोरियाँ पड़ी हैं और काफ़ी इनके पास सेल है लुधियाना मंडी में। दोस्तों, इनका अदरक का जो फर है, अदरक और लहसुन का बाज़ार, इसका इनका जो कारोबार है। तो फिलहाल दोस्तों, मेरे वीडियो में देखें जो अदरक का बाज़ार क्या बना है, और अगर फुटकर ही बात करें तो 100 रुपये किलो के हिसाब से आज बिक रहा है। और ये डड्डू अदरक है दोस्तों, जिसमें धागा नहीं होता, थोड़ा मोटा अच्छी क्वालिटी अदरक होता है। अगर इसको तोड़ें तो इसमें गुदा निकलता है, अचार वगैरह में ज़्यादा इसको इस्तेमाल किया जाता है। पंजाब में फेमस है ये डड्डू के नाम से। और इसका जो आज बाज़ार है, इसका जो आज भाव बना है फुटकर भाव, 100 रुपये से लेकर 120 रुपये किलो के बाज़ार बना है। दोस्तों, आज का जो बाज़ार आपने देखा, अगर मैं पहले की बता करूँ तो 150 रुपये था, लेकिन आज बाज़ार 120 का हो चुका है। और मेरे वीडियो में देखें जो ये बेंगलोर का अदरक आ रहा है, जो बेंगलोर का अदरक इसमें पंजाब लुधियाना में जो उसकी गाड़ियाँ की आवत है, तो इसमें बेंगलोर से आ रही हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ तो जो फुटकर भाव है ये भी 100-110 के हिसाब से बिक रहा है। अगर मैं आर्द्र बात करूँ, जो आर्द्र अदरक बिका हुआ है, आर्द्र में 90-95 के हिसाब से बोरियाँ के हिसाब से बिकी हुई हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज का जो बाज़ार है मंडी का फुटकर भाव ये रहा, और जो अब डड्डू जो अदरक है आपने देखा, इसका भाव ये रहा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा और लाइक कर देना, कमेंट कर देना, आगे शेयर कर देना। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। जय जवान जय किसान।